एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक शिकारपुर में स्थित खेलिया कल्याणपुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने अनिल कुमार को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 15,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 20 किलोमीटर ही है। लगभग 7200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में 1200 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 1120 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 110 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 700 विद्युत पोल, 12 ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 115 सिंसिटाइज रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली व तालाब का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास, 772 इज्जत घर, बिजली घर, स्वास्थ्य केंद्र, कन्नेंटर कॉलेज, पशु चिकित्सालय, सीसीटाइज रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं अनिल कुमार प्रधान, ग्राम पंचायत खैलिया कल्याणपुर, ब्लॉक शिकारपुर, तहसील शिकारपुर। हमारी ग्राम पंचायत खैलिया कल्याणपुर न्याय पंचायत केंद्र है। न्याय पंचायत केंद्र पर 5 ग्राम सभा और इस न्याय पंचायत केंद्र पर आती है, जो कि शिकारपुर विधानसभा और ब्लॉक की लास्ट ग्राम पंचायत न्याय पंचायत होने के बावजूद आज तक ग्राम पंचायत पर ना ही कोई पशु चिकित्सालय है, ना ही गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही कोई कन्या इंटर कॉलेज है, और बिजली आदि की समस्या के लिए ना ही कोई बिजली घर है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए न्याय पंचायत स्तर ग्राम पंचायत खैलिया पर इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं 115 नाली, खरंजा, सड़क, गली ये सब तैयार कराई गई हैं। 5 तालाब खुदवाए गए हैं। 1500 मीटर 2x2 के तालाब में पानी जाने के लिए नाली तैयार कराए गए हैं। और गांव में पेंशन आदि की सुविधा सब भाग दौड़ करके पेंशन की व्यवस्था कराई गई है। गांव में लोहिया आवास के 39 मकान बनवाए गए हैं और 45 लोगों की प्रधानमंत्री आवास के लिए हमारी सूची ब्लॉक में भेज दी गई है, प्रस्ताव करके लोगों के पात्र व्यक्तियों के जिसका पैसा आना बाकी है।